बाबा। हाँ जी बाबा, मुरली प्लस वार्ता नंबर 1317 काउंटिंग 52 पर एक वार्ता में बाबा ने बोला है, चार है मुख्य अष्टदेव, चार है मुख्य अष्टदेव, चार है सहयोगी अशिष्टन अष्टदेव। सहयोगी अशिष्टन चंद्रवंश से आते हैं, बाद में सूर्यवंशी बनते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं है। अष्टदेव हैं तो देव अकेले होते हैं कि देवियों के साथ होते हैं? तो वो ही उनके असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं। देव हैं तो देवियां भी होंगी। हाँ, इसमें न समझ में आने वाली बात क्या है? अष्टदेव है तो सूर्यवंश से ही निकलते हैं। हाँ, सूर्यवंश से निकलते हैं अष्टदेव, क्योंकि देव होते हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले, उनको देवता कहा जाता है पक्का। बाकी जो देवियां निकलती हैं वो रचना है देवताओं की, देवों की, या रचयिता है, रचना है, तो उनका ग्रेड नीचा है। वो असिस्टेंट हैं, वो मुखिया हैं। और बाबा जी दूसरा प्रश्न है, रुद्रमाला और विजयमाला 2018 से अलग अलग स्थान पर विभाजित होगी साकार में, दिल से तो एक होंगे ही देहद में, लेकिन 2036 तक अंततः दोनों स्थूल रूप से आपस में नहीं मिलेंगे, ये बात राइट है या रॉन्ग? आत्मा का गहरा कनेक्शन इंद्रियों से है या वाइब्रेशन से है? है वाइब्रेशन से गहरा कनेक्शन है। इंद्रियां तो शरीर है तो इंद्रियां हैं, शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं है। उनमें भी मन ऐसी एक 11वीं इंद्रिय है जो वाइब्रेशन को बनाने और बिगाड़ने वाली है। मन के ऊपर सारा मदार है। सत्युग में शरीर भी होगा, इंद्रियां भी होंगी, परंतु मन वहां काम नहीं करेगा। और यहां संगम में इंद्रियां भी हैं, मन भी है, लेकिन परिवर्तन दुनिया का काहे से होगा? इंद्रियों की पावर से होगा या मन की पावर से होगा? अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की, इतनी वाचा चलाई, संसार में आवाज नहीं फैला। क्योंकि असली जो हमारा पुरुषार्थ है वो मन को कंट्रोल करने का है। जब तक मन कंट्रोल नहीं हुआ है तो हम वाइब्रेशन को नहीं सुधार सकेंगे। मन को कंट्रोल करना बाप ही प्रैक्टिकल में आकर के सिखाते हैं।
इसके लिए खास इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं कौन सी? आंखें। आंखों का खास आधार लेते हैं, कहते भी हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? ऊंची स्टेज में ले जाऊंगा। ऐसी ऊंची स्टेज होगी जहां वाइब्रेशन से ही तुम सारा सुख अनुभव करेंगे। इंद्रियों की जैसे दरकार ही नहीं रहेगी। इंद्रियां होते हुए भी अतींद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जो इंद्रियों के सुख के आदि होंगे वो अतींद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अंत तक जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो रुद्रमाला या विजयमाला जो अतींद्रिय सुख का अनुभव करने वाली है उसको वाइब्रेशन की दरकार होगी या इंद्रियों के मिलन की दरकार होगी? है वाइब्रेशन की दरकार हो। उसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा। वो ऊंची से ऊंची पीढ़ी है तो काम भी ऊंचे से ऊंचा करेगी, जिसमें देवभान का नाम निशान नहीं होगा। देवभान का नाम निशान भी है, आंखों का भी थोड़ा भी आकर्षण है, आंखों का थोड़ा भी सुख लेने के आदि है, तो कलाएं नीचे गिरेंगी, गिरती कला में जावेंगे या उठती कला में जावेंगे या ठहरती कला में जावेंगे? गिरती कला में जावेंगे। इसलिए दूर और पास की बात खत्म हो जाती है। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो लंदन में भी कोई बैठा हुआ हो तो भी उसके वाइब्रेशन को हम यहां बैठे खींच सकेंगे, उसकी बात को समझ सकेंगे। जैसे आज बेतार के तार के द्वारा संदेश लेते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे आत्मा की शक्ति से भी होगा। आत्मिक शक्ति तो साइंस की शक्ति से भी ज्यादा ऊंची है। समझ में आया? हाँ। हद का सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं ना? ऐसे बेहद का सूर्य कब दक्षिणायन और उत्तरायण? हाँ, अभी एडवांस ज्ञान दक्षिण भारत में ज्यादा फैल रहा है, सूर्य दक्षिणायन में ज्यादा चमक रहा है कि उत्तरायण में ज्यादा चमक रहा है? हाँ? कहाँ चमक रहा है? दक्षिणायन में ज्यादा चमक रहा है। ऐसा भी टाइम आवेगा कि ज्ञान सूर्य उत्तरायण में ज्यादा चमकेगा।
उत्तरायण में चमकेगा तो उत्तर भारत की आत्माएं जागेंगी। अभी उत्तर भारत की आत्माएं मोस्टली सो रही हैं या जाग रही है? सो रही हैं। भारत के कुंभकर्ण हैं, अभी भी सो रहे हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायण समझ में नहीं आया? अब आ गया? हाँ। बाबा, वर्तमान समय में जो प्रचलन है सेरोगेटेड मदर की, किराए की कोप की जो प्रचलन चालू है, वर्तमान समय में जो सेरोगेटेड मदर है ना, किराए की कोप का जो प्रचलन चालू है, किराए की कोप, तो उसका फाउंडेशन संगम युक्त दुनिया में, ब्राह्मण दुनिया में कैसे पड़ता है? ये क्या होता है किराए की पोप? क्या क्या किराए की पोप? माता पिता बच्चे पैदा करने में असमर्थ है तो दूसरी माता का जैसे आधार लेते हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण दुनिया में इसका फाउंडेशन कैसे पड़ा? मम्मा चली गई तो कुमार का दादी का आधार लेके बैठ गए ब्रह्मा बाबा हैं? कुमार का दादी ने अपनों को विलायत के अखबारों में जगदम्बा घोषित कर दिया या नहीं? ऐसे ही है। और बाबा, मरते समय यानी मर जाते हैं तो जब मुर्दे को शमशान ले जाते हैं तो उसके मुख में पान का बीड़ा क्यों रखते बाबा? पान का बीड़ा मुख में और मस्तक पर सिक्का रखते हैं, तो उसका अर्थ क्या है बाबा? यहाँ जीते जी कोई मरते हैं कि नहीं? जो जीते जी मरते हैं वो पान का बीड़ा उठाते हैं कि हम पवित्र दुनिया लाएंगे। जीते जी मरेंगे नहीं तो पवित्र दुनिया लाएंगे भी नहीं। और माथे पर सिक्का जो रखते हैं, माथे पर सिक्का भी रखते हैं। हाँ, विजय का तिलक। देवान से मरेंगे तो विजय का तिलक लगेगा, विजयी बनेंगे। देवान से मरेंगे नहीं तो विजय का टीका पहनेंगे भी नहीं। और बाबा, शिव बाबा को साजन कहते हैं और हम सब सजनीय हैं, लेकिन आशिक और माशूक के संबंध में बाबा क्यों माशूक है और हम सब आशिक है? जो आशिक होते हैं उनको गरज होती है कि माशूक को गरज होती है? तो जिसको गरज है वो ही आशिक होगा। शिव बाबा माशूक है, उसको गरज नहीं पड़ी है। और बाबा, आपके वाणी से गीता पाठशाला खोलने के लिए परमिशन मिली है और फारुखाबाद से कंपिल से हमको लेखी लेटर आया हुआ है, वहाँ गीता पाठशाला आपके परमिशन से चल रही है और वो संगठन हम कर रहे हैं। तो संगठन होने के बाद में कोई आत्मे वाद विवाद करते हैं और उस संगठन का मिसयूज करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करो। कोई क्या करता है, कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं, ये तो अपना अपना पार्ट है। जो थमाने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान में वो प्राप्ति करेंगे, जो विरोध करते हैं भगाने वाले हैं वो दास दासी बनेंगे। आपको तो फायदा हो जाएगा ना, घाटा है? हम तो आपके बने हुए थे,
लेकिन और भाई लोगों को माता लोगों को अपने बुलाना। तो आप अपना काम करिए, आप उनको थमाने का काम करिए, जो भी भाई बहन है आपको अच्छा ही मिलेगा। कभी फोन देते हैं उनको तो उठाते भी नहीं, और रोज बोलते हैं कि हमको फोन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब मालूम रहता है उनको, सारी बीवी देती है, अब बिना कारण बात करते रहे, अच्छी बात नहीं है सर। वो अपने मुंह से करते हैं ना, आप वाद विवाद में मत पड़िए। संगम युग मौजों का युग है, मौज मनानी है तो अपने में मस्त रहिए, बाबा में मस्त रहिए। कोई क्या करता है उस परचिंतन में अपनी बुद्धि को लगाने से घाटा आ जाएगा। है तो हमारा सहमत सभी के लिए सम्मानता से सरलता से सरल मन से चल रहा है और उसी माफिक हम चलते रहेंगे, आपकी श्रीमत को हम छोड़ेंगे नहीं बाबा कभी। तो हमको बार बार आप यहाँ जब जब आते हैं तब तक हमको मिलना चाहिए, नहीं तो हम उसके लिए कोई भी गीता पाठशाला आपको बोलेंगे, उनका फोन का खर्चा जो लगता है मैं देते जाऊंगा, कौन मेरे को मिलने कौन आ पाएगा, मेरे को मिलने कौन। दो तीन महीने संगठन में ही नहीं आए थे बाबा, मैंने कल का मैसेज नहीं दिया था, नहीं दिया कि तीन महीने संगठन में नहीं आया, कल का मैसेज नहीं दिया, नहीं क्यों? श्रीमान के वर्क खिलाफ जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या सोचती बाबा आए तो उनको मैसेज नहीं दिया, नहीं क्योंकि संगठन में नहीं आया, नहीं दिया, दूसरे जन तरफ से उनको मैसेज मिला था, हमारे पास संगठन में पैसा भी नहीं था, दो महीने संगठन में जमा है, माता से साथ कर मेरा झूठ बोलने का नाता नहीं है बाबा, मैं बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा, आपकी खिदमत के अलावा दूसरा कोई भी मेरे साथ सत्य नहीं रहेगा। हाँ जी, मार्शल आपने बोला है कि हार्ट अटैक को और कैंसर को भी अकाले मौत बोला है, तो कैंसर तो बाबा कुछ साल में रहता है, छह महीने रहता है, वो मृत्यु भी स्वीकार कर लेता है। कैंसर को अकाले मौत तो नहीं बोला है, ये तो लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, अकाले मौत कैसे हो गया? हाँ, मरीज सुधरती हुई अवस्था में है और अचानक उसकी अवस्था खराब हो गई, असर ही छोड़ दिया, भले कैंसर का मरीज भी हो तो कहेंगे कि हाँ अकाली मौत हो गई। और हाँ, हमारे जो दुश्मन है उन्हें ओपिनियन की किताब जरूर छपवा कर देना चाहिए, तो ये ओपिनियन की किताब माना क्या बाबा? गीता का भगवान कौन है, भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है, ये जो चार पांच बातें निकाली हैं बोर्ड पर छपाने के लिए, उन पांचों बातों के ऊपर और खास करके गीता के भगवान के ऊपर ओपिनियन लो बड़े बड़े लोगों की, और उसकी किताब छपाओ और लोगों को बांटो। और बोले कि कलयुग की सीढ़ी चढ़ने में जास्ती कठिनाई आती है, जैसे नीचे उतरे अब वैसे ही ऊपर चढ़ना है, तो कलयुग की सीढ़ी में क्यों कठिनाई बाबा? ज्यादा पाप कलयुग की सीढ़ी में किए हैं
या और युग में किए हैं तो चढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। कलयुग में जो पाप किए हैं तीव्र गति से किए हैं और उतरती कला तीव्र गति की रही है तो उतनी ही चढ़ती कला भी तो करनी पड़े, वो तो नहीं हो पाती है इसलिए कठिन लगता है। और हाँ जी, कृष्णा और सुदामा ब्राह्मण दोनों विद्या लेने के लिए गए थे गुरु के पास, गुरु के पास विद्या लेने के लिए। फिर सुदामा ब्राह्मण इतना बेघर बन गया और कृष्ण प्रिंस बन गया। सुदामा ब्राह्मण उसके पास गया मुट्ठी भर पोहे लेके, तो उनको सुदाम नगरी बना के दिए कृष्णा ने। दिया तो भेद में क्या है? अरे दोनों की दोस्ती थी कि नहीं थी? है तो दोस्त दोस्त के साथ निभाएगा या नहीं निभाए? निभाएगा ना। और भगवान अगर खुदा दोस्त बन जाए तो वो तो ज्यादा ही निभाएगा या कम निभाएगा? तो ज्यादा निभाया। भले सुदामा ने तो गलती की, चोरी से खुद खा लिया और उनको भूखा रहना पड़ा, और बाबा जिसने भक्ति नहीं की संगठन में आने के लिए मना क्यों करते हो? बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला है संगठन में नहीं आना पड़ता। भट्ठी भट्ठी करना माना जैसे आत्मा शरीर छोड़ करके गर्भ में पकती है तो 9 महीने की भट्ठी हो जाती है, ऐसे ये भी 9 दिन की भट्ठी है, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी। 9 दिन अगर आत्मा पकी नहीं और बाप के घर में पहुंची ही नहीं, आत्मा नया जन्म लेती है तो नए बाप का बच्चा बनेगी तो बाप के घर में जाएगी या नहीं जाएगी कि बिना गए बच्चा बन जाएगी? हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कोई आत्मा पुराने बाप को छोड़ेगी और नए बाप के घर में जन्म लेगी तो उसे भट्ठी में 9 महीने पकना पड़ेगा कि नहीं पकना पड़ेगा, और बाप के घर में जाना पड़े या नहीं जाना पड़े? तो जो भट्ठी करेंगे वो बाप के बच्चे बनेंगे, भट्ठी नहीं की तो बाप का बच्चा कहाँ हुआ? और बाबा कोई आत्मा एक शरीर से बीमार है, वो चलने नहीं पाता है लेकिन देख सकता है, बैठ सकता है लेकिन चलने नहीं पाता है, तो अगर अपन उनके पास में जाकर वो बाबा की मुरली लगा दिए, उन्होंने देखे और सुने भी, तो उस आत्मा को या उस भाई का अटेंडेंस रजिस्टर पर नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कौन से अटेंडेंस रजिस्टर में? गीता पाठशाला में? हाँ गीता पाठशाला में। गीता पाठशाला में तो जाएगा तो अटेंडेंस में नाम लिया जाएगा, और गीता पाठशाला में जाके क्लास अटेंड करेगा तो अटेंडेंस तो हो गई ना। हाँ बोले हैं कि कृष्ण जयंती मनाते हैं तो कृष्ण की पूजा करते हैं और दूसरे दिन डुबो देते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण की पूजा करते हैं और दूसरे दिन डुबो देते हैं, तो ये जो पूजा पाठ है या भक्ति मार्ग की ये सब तो संगमित कर रहा है ना, तो फिर ये किस कृष्ण की बात है बाबा? कृष्ण वाली आत्मा कौन है?
नहीं डुबो दिया है सत्य के कृष्ण के गायन है भक्ति मार्ग में। तो फिर संगम में भी तो दो प्रकार से कृष्ण का पाठ चलता है, एक ब्रह्मा केतन में और दूसरा ब्रह्मा की आत्मा जब अपना स्थूल शरीर छोड़ देती है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाती है, वो परिपक्व स्टेज का पाठ है। यहां भी तो दो रूप से है, तो कौन सा डूब जाता है? पहला पार्ट डूबता है या दूसरा डूबता है? है पहला पार्ट डूब जाता है। और बाल कृष्ण है बाबा, तो वो बाल कृष्ण संगम का फिर कैसा, छोटा तो नहीं दिखा है? बाल कृष्ण का गायन है तो वो राम बाबा का है कि जो भी गायन है वो ज्यादातर गायन संपूर्ण स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? है गायन और पूजन दोनों संपूर्ण स्टेज के। तो जो कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण स्टेज जब प्राप्त करती है तो उसकी पूजा होती है या अधूरी स्टेज की पूजा होती है? बालक दिखाया, बालक का मतलब बेसमझ है, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। ये तो ब्रह्मा बाबा की बात हो गई। ब्रह्मा और कृष्ण अलग अलग हैं क्या? कृष्ण वाली आत्मा ही तो ब्रह्मा बनी है आके, संगम में कृष्ण का पार्ट बजाती है। और बाबा एक मुरली में बोला है कि स्थूल शरीर की अपेक्षा भी सूक्ष्म शरीर में ज्यादा देहभान होता है, तो वो कैसे बाबा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए ज्यादा देहभान भी है। पांच तत्वों से तो परे का शरीर है, पांच तत्व तो नहीं होते ना उसमें सूक्ष्म शरीर में? क्या नहीं होते? पांच तत्वों से परे का शरीर है। पांच तत्व तो नहीं होते लेकिन पांच तत्वों का सूक्ष्म रूप तो होता है। और हनुमान ने चिंदी लपेट कर बाबा लंका जलाई, तो इसका रहस्य क्या है? हनुमान कौन है? ब्रह्मा की सोली ही हनुमान है। जो ब्रह्मा की सोल हनुमान है उसकी देह अभिमानी की पूछ भी है या नहीं है? है? अरे बड़े बात है, हाँ नाम तो मत जवाब दो। ब्रह्मा बाबा के देह अभिमान की पूंछ है या नहीं है? है। अगर देह अभिमान की पूंछ है तो वो पूंछ कमर में होती है या सर में होती है या पांव में होती है? जैसे शंकर जी को कमर में सांप अलग दिखाते हैं, भुजाओं में अलग दिखाते हैं, गले में अलग दिखाते हैं और सर के ऊपर, तो पांच विकारों की पांच निशानियां पांच जगह दिखाते हैं। तो जो कमर में पूंछ है वो किस बात की निशानी हुई? काम विकार की निशानी हुई। उस काम विकार की देह अभिमानी की पूंछ में रावण की लंका के जितने भी वस्त्र थे, अच्छे अच्छे सुंदरियां, वो सब उस काम विकार की पूंछ में बंध गई। अभी प्रैक्टिकल में बंध रही हैं कि नहीं बंध रही हैं? अरे बताओ हाँ या ना तो करो। अरे बाबा जानते हैं, तुमको नहीं मालूम?
है नहीं मालूम? हम मालूम है बस। तो सारे कपड़े जितने हैं लंका की राजधानी में, वो सारे कपड़े उनकी पूंछ में बांध दिए गए। बढ़िया बढ़िया वस्त्र, और उसमें तेल डाल दिया गया, घी नहीं डाला, तेल डाला। तो जितना भी तेल था वो सारा उसमें चला गया। तेल काय का है? मिट्टी का भी तेल है। मिट्टी माने प्योर देह अभिमान का तेल। और जो मूंगफली का होता है, राइस ब्रान होता है, या दूसरे दूसरे तेल होते हैं, वो भी कोई घी तो नहीं है। घी कहते हैं जिसमें विविचार की बदबू न हो। अब विविचारी घृत को कहते हैं। तेल उसके मुकाबले कम कीमत वाला है, तो तेल बांधा गया। तेल नुकसान करता है या घी नुकसान करता है? तेल ज्यादा नुकसानकारी होता है। तो वो तेल से सारे कपड़े भिगो दिए गए। माना शुद्ध ईश्वरीय ज्ञान में वो कपड़े भिगोए गए, या अशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान था जिसमें मन मत और मनुष्य मत मिली हुई थी। तेल माने क्या? ज्ञान का तेल। वो ज्ञान का तेल शुद्ध ईश्वरीय ज्ञान कहें या उसमें कुछ मनमत और मनुष्यमत मिक्स है, मिक्स है, मिक्स होने के कारण ही उसे जल कहो या तेल कहो, बात एक ही हो जाती है। जैसे नदियों में शुद्ध जल है तो नदियां कल्याणकारी कही जाती है। वही नदियां जब बाढ़ आती है तो उनमें देह अभिमान की मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो जब देह अभिमान की मिट्टी में मिक्स हो करके वो नदियां बाढ़ में बढ़ती हैं, तो बोड़म बोड़ कर देती है या फायदा करती है, जन कल्याण करती है, बोड़म बोड़ कर देती है। तो ऐसे ही वो तेल जब डाला गया उन कपड़ों में, तो खूब जोर से आग लगी। वो आग कामाग्नि की आग है या योगाग्नि की आग है? कामाग्नि की आग है। फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ तो उस आग से सारी लंका जल गई और पूंछ रह गई। जैसे होलिका में दिखाते हैं वो गुलरियां बांधी जाती है ना धागे में, धागा रह जाता है और गुलरियां जल जाती हैं। ऐसे ही वो पूंछ नहीं जली और लंका सारी जल गई। इसलिए कहावत बना दी है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो निशाचर भागने वाले हैं या नहीं है? लेकिन वो हनुमान थे तो वो राम की तरफ थे ना बाबा? हाँ, वो किन की तरफ थे? राम की आत्मा में प्रवेश नहीं है। तो अच्छा काम करने गए थे? बुरा काम था ये, रावण की लंका में आग लगाना बुरा काम है? तो अच्छे काम करने गए थे ना। तो आपको तो संशय आ रहा है। हाँ बाबा,
साढ़े चार लाख आयु है, माउंट टाबू में तपस्या करने जाएगी। तपस्या पूरी होने से जहाँ स्वर्ग स्थापन होना है वहाँ कैसे पहुँच जाएगी बाबा? जहाँ स्वर्ग स्थापन होना है वहाँ कैसे पहुँच जाएगी? जहाँ स्वर्ग स्थापन होना है वहाँ कैसे पहुँच जाएगी? क्यों, बम्बई से माउंट आबू ज्यादा दूर है क्या? हैं? मिनास के टाइम पर तो बाबा ने बोला है कि जो विदेश हैं, उन विदेशों में तुम्हारे पिकनिक स्थान बनेंगे। लंदन है, अमेरिका है, दक्षिण भारत है, ये सब समंदर में डूब जाएंगे और वहां तुम्हारे पिकनिक स्थान बन जाएंगे। तो पिकनिक स्थान से आउट करके आत्माएं दिल्ली में आ जाएंगी जमुना की कंठे पर, और माउंट आबू से दिल्ली नहीं जा पाएंगे। बहुत कठिन काम है क्या? है उस समय महाविनाश शुरू हो जाएगा ना बाबा? हाँ जी, महाविनाश शुरू हो जाए तो ट्रेन भी कट जाएगी, एरोप्लेन भी कट जाएगी, सब कट जाएगा। तो कैसे पहुंच जाएगी तपस्या पूरी होने से? क्यों, जो शरीर है वो समर्थ होंगे या असमर्थ होंगे? हैं? समर्थ होंगे। आज की तरह थकान वाले शरीर थोड़े ही रह जाएंगी। फिर कंचन काया बनेगी तो समर्थ शरीर हो जाएंगे ना। पहले ये ट्रेन थोड़े ही थी, पहले ये मोटर गाड़ियां थोड़े ही थी, तो क्या लोग सफर नहीं करते थे? एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना नहीं करते थे? जैसे पहले आना जाना करते थे, अब भी आना जाना करेंगे। हम बच्चे टोटली विनाश देखेंगे क्या? आपको संशय आ रहा है तो पूछ रहे हैं। तो संशय बुद्धि नहीं 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 नहीं, क्या पूछने की क्या बात है? पक्का है? हम नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन? जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। बाबा ने तो ऐसे बोला है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा की कोटि में चले जावेंगे। विनाश का साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा बाबा ने क्या करना शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। तो वो स्वर्ग देखा हुआ ना आंखों से है? नहीं देखा, न विनाश देखा न स्वर्ग देखा। और है कहते सारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, तो नाग तो पांच विकारों का प्रतीक है ना बाबा, तो फिर पृथ्वी कैसे टिकी रहेगी? विष्णु के सर पर सात फण दिखाए जाते हैं, दिखाए गए ना? वो सात फण कोई दूसरे नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा के नीचे वाले सात नारायण हैं, कम कलाओं वाले, जो विकारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस में, वो ही सात नाग हैं। माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा उन सात नागों की अधिपति है। माना ब्रह्मा बाबा ही शेष नाग है। आपके प्रश्न का समाधान हो रहा है कि नहीं? कैसे? हाँ, तो जगदम्बा है पृथ्वी, वो जगदम्बा किसके ऊपर टिकी हुई है? शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। जगदम्बा तो ऐसे है जैसे डब्बा, उसमें काम करने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा की। और
कोरोनेशन का क्या अर्थ होता है बाबा? कोरोनेशन जैसे मुरली में बोला है सतयुग आदि में जो लक्ष्मी नारायण थे उनका कोरोनेशन हुआ होगा, प्रिंस का कैसे होगा, तो ये कोरोनेशन का अर्थ क्या होगा? कोरोनेशन माने जब कोई राजगद्दी पे बैठता है तो राज तिलक करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसे कोरोनेशन कहते हैं। वो वहां की बात नहीं है। सतयुग में कोई कोरोनेशन नहीं मनाया जाता, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ये कहां की बातें हैं? हैं? ये स्वयंवर आदि कहां की बातें हैं? संगम युग की बातें। और बाबा झांसी की रानी का टाइटल कौन से मम्मा को ये लागू है? दोनों मम्मा। अरे दोनों मम्मा में सामना करने की ज्यादा ताकत कौन सी मम्मा में है? तो जिसमें सामना करने की ज्यादा ताकत है उसी का पार्ट होगा। और झांसी की रानी उसका संगी साथी कौन? गंगाधर। वो गंगाधर सतयुग त्रेता की दुनिया का है या हिंसक दुनिया का है? कौन सी दुनिया का है? अरे गंगाधर जो साथी है वो कौन सी दुनिया में साथी है? हिंसक दुनिया का साथी है या अहिंसक दुनिया का साथी है? हैं? हिंसक दुनिया का साथी है। तो जगदम्बा का गंगाधर जो साथी बनता है, शंकर वाली या राम वाली आत्मा, वो द्वापर कलयुग में साथी बनती है या सतयुग त्रेता में साथी बनती है? हैं? द्वापर कलयुग में बनती है। और बाबा इस सृष्टि की व्यास की कक्षा कीर्ति है, हैं? इस सृष्टि यानी पृथ्वी की जग की व्यास की कक्षा यानी कीर्ति है, उसका वो सतयुग जब लग जाएगा अपना तो उस टाइम में वो कक्षा सीधी रहेंगी कि तिरपी रहेंगी? धरणी कहो पृथ्वी कहो, तिरछी है तो श्रेष्ठ है, तिरछा ज्यादा श्रेष्ठ होता है या सीधा ज्यादा श्रेष्ठ होता है? हैं? सीधा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो तिरछी है माने चाल टेढ़ी टेढ़ी है, सीधी चाल नहीं है। और सतयुग त्रेता में सीधी चाल होती है तो जरूर है। अभी पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, ऐसे ही घूम रही है सूर्य के चारों ओर। अगर ये सूर्य है मानो तो इसके सामने ऐसे झुकी हुई है, ऐसे ये नीचे का हिस्सा इधर आके दूर हो जाता है और इधर आती है तो नजदीक हो जाता है। माना कभी ऊपर का हिस्सा नजदीक हो जाता है सूर्य के, कभी नीचे का हिस्सा सूर्य के नजदीक हो जाता है। जब उत्तरी ध्रुव ऊपर का हिस्सा नजदीक हो जाता है तो 6 महीने का दिन हो जाता है, और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नजदीक हो जाता है तो 6 महीने की उत्तरी ध्रुव में रात हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव में दिन हो जाता है। तो ये अंतर पड़ता है। सतयुग त्रेता में ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा।
और सर्दी गर्मी बरसात ऐसे नहीं होगा, वहां मौसम कैसा होगा? सदाबहार मौसम होगा, पृथ्वी झुकी हुई नहीं होगी, सीधी होगी। माने वहां कन्याओं माताओं की चाल कैसी होगी? है सीधी होगी। आज की दुनिया के लिए तो गाया हुआ है, विधि उन नारे हृदय गति जानी, है। एक मुरली में बोला है कि भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा बाहर की दुनिया की सेवा नहीं हो सकती है? उनके द्वारा बाहर की सेवा, दुनिया की सेवा नहीं हो सकती। बाहर की दुनिया की सेवा नहीं, हाँ नहीं हो सकती। बाहर की दुनिया की सेवा नहीं, क्यों? 500 करोड़ की दुनिया की सेवा नहीं होती है? अरे 500 करोड़ की दुनिया का उद्धार नहीं होगा? उनका भी उद्धार होगा। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन विश्व पिता नहीं है। अगर विश्व पिता है तो सारे विश्व का कल्याण करेगा, या पार्शलिटी होगी, सबका कल्याणकारी होगा, चाहे आसुरी ही होने वाले हो चाहे दैवी होने वाले हो, तो सबका कल्याणकारी है। एनालाइज करना क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों है कैसे है, इन सब बातों की गहराई में जाना माने एनालाइज करना। बाबा मुझे शराबी आदमी का इतना गुस्सा क्यों आता है? जो शराब पीता है आदमी की कोई भी नहीं, इतना गुस्सा क्यों आता बाबा? ऐसा लगता क्या इसके दर्शन कभी मर जाना, लेकिन उस आदमी के कभी दर्शन नहीं। आपको ज्यादा दुख दिया होगा तो गुस्सा आता है। और अभी तो मेरे को सामना है बाबा, तो मैं कैसे करूँ? अभी अभी लड़की की डिलीवरी है और उसका दूल्हा बहुत शराब पीता है, तो मैं अब कैसे करूँ? शादी जब आपने की तब आपने देखा नहीं उसे? बाबा यही तो बोलते ना कि जो जो बना बनाया है। क्या बना बनाया? जो ड्रामा में बना बनाया है, जो शादी बोलो उसकी किस्मत। अच्छा अच्छा, आपने बना बनाया समझ करके दे दिया, देखा वाला नहीं? कभी नहीं पीता था ना। कोई ऐसे माँ बाप होते हैं जो बिना देखे वाले लड़की को दे दें? उसके बहन ने बोले थे नहीं पीता करते तब नहीं पीता था। ऐसे नहीं होता है। और है वंशी के दो फाउंडेशन बताए हैं, एक है तेज को पीने वाला और दूसरा है तेज का प्रकाश। तो ये कौन से है बाबा? तेज को पीने वाले और तेज का प्रकाश। सूर्यवंशी के नहीं है ये गुण, ये हिरण्यकश्यप के गुण बताए हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस जो है वो अच्छी अच्छी आत्माओं के तेज को पीने वाला था। दुनिया की जितनी भी भक्त आत्माएं हैं, भावना वाली आत्माएं हैं, वो सब सन्यासियों के चक्कर में फंसी हुई हैं। अभी लास्ट में जब आवाज निकलेगी तो उन सबको छुटकारा मिलेगा वहां से। बाबा बोलते हैं उन आदमी के लिए संकल्प अच्छे चलाना, तो कितनी भी संकल्प अच्छे चलाने से फिर उनमें बदल क्यों नहीं होता बाबा? आपके संकल्प चलाने की जो गति है वो 100% सच्ची है, ये आपको कैसे पता? नहीं 100% तो नहीं होगी शायद, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ना बाबा। कुछ ना कुछ होगी, मान लो
40% गति आपकी तीव्र है और 60% धीमी है तो उल्टा असर होगा या सीधा असर होगा? उल्टा ही तो होगा। और अपने पर रहम करना माने जैसे बाबा चलाते हैं वैसे चलना, तो अपने ऊपर पहले रहम हो जाएगा। और दूसरों का भी रहम हो जाएगा, हम सुधरे तो जग सुधरा। हमारे सुधार के ऊपर सारी दुनिया का मदार है। पहले अपना सुधार, फिर पर का सुधार, स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। बाबा, राजा बनना अच्छा है का सौकर बनना अच्छा है? ये तो ऐसे ही है जैसे नाली में कीड़ा निकाल के साफ सुथरी धूप वाली जगह पे रख दो, उससे पूछो वो नाली अच्छी है या साफ सुथरी जगह अच्छी है। तो नाली में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप पूछ रहे हैं, जबकि आप ज्ञान में चलते हैं, भगवान को मानते हैं, आप निश्चय पत्र भी लिख चुके हैं, हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान का डायरेक्शन है कि राजयोग सीख करके राजा बनो, फिर भी आप पूछ रहे हैं। प्रकाश मुरली में कहा है कि देवताएं भी इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भी क्या स्वार्थी कहेंगे बाबा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में तो इच्छा पनपती नहीं ना। हमारा लक्ष्य क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या या इच्छा रखना? माने देवताएं संपूर्ण नहीं है, तो आपने ये वाक्य कहाँ से ढूंढ लिया कि देवताएं भी इच्छा रखते हैं? हाँ, संगम युग की बात हो सकती है कि संगम युग में जो देवात्मा बनने वाली आत्माएं हैं, पहले पहले जैसे ब्रह्मा जैसी आत्माएं, मम्मा जैसी आत्माएं जो हैं ही देवात्माएं, उनकी भी इच्छा होती है क्या कि हमें ब्रह्मा भोजन मिले। ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं वो देवात्माएं। बाकी ऐसे नहीं कि सतयुग के देवताएं कोई इच्छा करते हैं भोजन के लिए, वो तरसते हैं, उनकी तो बात ही नहीं। जैसे बाबा, जैसे अभी अभी देवताओं भी जैसे सतयुग में कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो तुरंत पुष्पक विमान आ जाएगा या किसी तरह की? ये पुष्पक विमान या जो भी विमान और जो भी शास्त्रों में बातें आई हैं, वो कहाँ की यादगार है? सतयुग की यादगार है या संगमयुग की यादगार है? बार बार भूल जाते हैं आप तो। जब नाम ही है पुष्प विमान, नाम क्या है? पुष्प माने क्या? पुष्प माने क्या? फूल। का माने करने वाला। वो विमान क्या करता है? फूल पैदा करता है। अरे ये आत्मरूपी विमान ही तो है, ईश्वरीय सेवा करेगा तो फूल पैदा होंगे या कांटे पैदा होंगे? फूल पैदा होंगे। तो वो आत्मा स्वयं में पुष्पक विमान है। और एक आत्मा ऐसी है कि वो दो दिन में कोर्स करना चाहती है, दो दिन मेरा टाइम नहीं है और पांच दिन का कोर्स के लिए टाइम नहीं है, दो दिन में हमारा कोर्स करा, क्या समझे? एक ही दिन में 6 बार घसीट दो
और करना चाहिए उसका, क्यों नहीं करना चाहिए? जो दो दिन तो बहुत होते हैं, हर तीन घंटे के बाद बुलाते रहो। हाँ हाँ तो बुलाओ ना, डॉक्टर है वो, उनके पास टाइम नहीं है दवा का। हाँ तो दो दिन तो दिए, बहुत दिए। पूरा छुट्टी का दिन रहता है तब बुला सकते हो। हैं? दवा खाना जिस दिन बंद रहता है उस दिन बुला सकते हैं। और एक तरफ तो कहते हैं कि शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा सत्वप्रधान बनते जाएंगे, और एक तरफ कहते हैं कि याद से तुम्हारे शरीर निरोगी बनते जाएंगे, तो दो कैसे? तो याद तुम्हारी घट रही है कि बढ़ रही है? बताओ ना, घट रही है तो सड़ते जावेंगे कि निरोगी बनते जावेंगे? और है हाँ, लोड़े खा खा के सुधरेंगे, ऐसे थोड़ी सुधरेंगे। और तो पतिव्रता स्त्री थी ना बाबा, अहिल्या जो है वो तो पतिव्रता स्त्री थी ना। हाँ जी। तो उसके साथ तो छल किया गया बाबा, तो फिर इसमें अहिल्या का क्या दोष होगा? जो भी कुछ होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है या अपने आप होता है? कोई भी आकर्षण हुआ, चलो दूसरे ने ही हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, तो इसका पूर्व जन्म से कनेक्शन है या नहीं है? है, है? और बाबा माउंट टाबू में जो जमीन जो है तो कुछ खेती करने के लायक है, कुछ मकान करने के लायक है, तो खेती करने की जमीन जो है वो अगर समर्पित कर दिए तो फिर मकान बनाने के लिए जमीन तो बहुत महंगी होती है, तो वहाँ कोई अगर बच्चा जाना चाहे तो उसको जगह मिलेगी? 4.5 लाख आबादी को रहने के लिए कितनी जमीन चाहिए? वो खेत ऐसे ही पड़े रहेंगे कि आबादी में कन्वर्ट होंगे? है, अरे बोलो ना। हाँ, जब वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी और देश विदेश से बड़े बड़े पैसे वाले आकर के धमक जाएंगे तो उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी मकान बनाने के लिए। और बाबा जिसका उम्र ज्यादा हो चुका है, मान लीजिए 85 या 90 हो गया, जिसको एक्सीडेंट हो गया है, जिसको बीमारी हो गई है, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, सब ऐसी बातें आप क्यों बोल रहे हैं? है? जाने का मार्ग क्या है फिर? अरे तो कभी देह भी छोड़ सकता है। ये संकल्प देह छोड़ने के सब बुड्ढों को आते होंगे या कोई बुड्ढे ऐसे भी होंगे जिनको ये संकल्प नहीं आते होंगे? निगेटिविटी सबको आती है एक जैसी या कोई को आती है कोई को नहीं आती है? कोई को आती है कोई को नहीं आती है। जिनके अच्छे कर्म किए हुए हैं
उनको पॉजिटिव संकल्प ज्यादा आते हैं, और जिनके खराब कर्म किए हुए हैं उनको नेगेटिव संकल्प न चाहते हुए भी जरूर आ जाएंगे। इसलिए नेगेटिव संकल्प को ऐसे ही हटाते रहो जैसे देहधारियों की याद को हटाया जाता है। घड़ी घड़ी देहधारियों की याद आती है, घड़ी घड़ी भगाओ और शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही नेगेटिव संकल्प याद आते ही भगा दो, बाचा में तो निकलना ही ना दो। बाचा में आया माने उसने साकार रूप धारण कर लिया। और एक बार तलब में बोला है कि हम गर्भ में दबे रहेंगे, हमारी संतान काया बनेगी, और जब सतयुग में जाएंगे तो क्या यही उम्र में जाएंगे, इसी उम्र मिलेगी या बात? आपके नए ताजे दांत आ जाए, आपकी आंखें हैं देवताओं की तरह बड़ी बड़ी हो जाएं, आपके गाल गुलाबी हो जाएं, आपका पूरा शरीर चमकीला हो जाए, तो आप ऐसे ही रहेंगे या नौजवान कहे जाएंगे? तो फिर और है तलब ने बोला है कि यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने ऐसा कार्य किया जिससे ब्राह्मण परिवार विरोधी बन पड़ा। ब्राह्मण परिवार विरोधी बन पड़ा, ब्राह्मण परिवार विरोधी बन पड़ा, पूरा परिवार विरोधी बन गया। फिर ये माउंट आबू में कहां से आ गया अगर विरोधी बन गए तो? कराची से छोड़ करके माउंट आबू आ गए ना, तो अगर विरोधी बन गए होते तो कहां से आ जाते? जगदम्बा के लिए बोला है। क्या जगदम्बा के लिए बोला? ऐसा कार्य किया कि विरोधी बन पड़ा है? ऐसा कौन सा कार्य किया कि विरोधी बन पड़े, ब्राह्मण परिवार विरोधी बन पड़े? अभी ऐसा कौन सा कार्य किया? बाप को छोड़ दिया। तो ऐसे ही वहां भी बाप को छोड़ दिया। यज्ञ के आदि में बाप को नहीं छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना नहीं, फिर भी इतना सुंदर उनको ये मिला। क्या मिला? टाइटल मिला, क्या टाइटल मिला? सतयुग का राजकुमार। सतयुग का राजकुमार बनता है ना? सतयुग का राजकुमार बनता है ना मरने के बाद? वो अच्छा टाइटल आप भी लेना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं बाबा। ना ना ना, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं। अरे वो ले लो। क्यों पूछ रहे हैं इसे? अरे अगले जन्म में लेना अच्छा है या इसी जन्म में लेना अच्छा है? तो अच्छा कहाँ हुआ उनका? लेकिन जो भक्ति मार्ग में उनका कितना ही हुआ जी? क्या हुआ जी? गायन हुआ। ऐसे गायन से क्या फायदा जो दुनिया नीचे गिर जाए और हम भी नीचे गिर जाए? सब जनता झूठ। ऐसे गायन से फायदा जो दुनिया भी ऊंची उठे और हम भी ऊंचे उठें। तो बाबा ये अपने हिसाब। उस गायन से फायदा है या ऐसा गायन हमारा हो जाए जो सारी दुनिया गड्ढे में चली जाए? मैं दुनिया क्यों फिर इतनी झुकी बोली? दुनिया जो नीचे गिरी है वो सिर्फ एक ही बात से तो नीचे गिरी। कौन सी बात? गीता का भगवान, अम्मा का बच्चा, अम्मा का पति परमेश्वर बन के बैठ गया, इसलिए दुनिया नीचे गिर गई। तो ऐसा टाइटल लेना अच्छी बात है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा है। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं, तो वैसे लक्ष्मी को भी चार भुजा दिखाते हैं, तो उनकी सहयोगी भुजा कौन होगा? क्यों, जगदम्बा सहयोगी नहीं है? जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ये दोनों के रास्ते अभी एक हैं।
अलग अलग रास्ते हैं, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तो चार भुजाएं हो जाएंगी। बाबा ज्ञान में बताया है कि भगवान को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, लेकिन भक्ति मार्ग में तो राजा बलि ने तीन पैर दिए ना बाबा पृथ्वी को, राजा बलि ने तो उनकी मांग पूरी की ना जब वामन रूप के। हाँ तो विष्णु की बासाई ले भी तो ली उन्होंने, वामन वामन अवतार ने उनसे विश्व की बादशाही छीन ली या छोड़ दी है? अरे छीन ली कि छोड़ दी? छीन ली। तो ऐसे यहां भी है, तीन पैर पृथ्वी जिसको नहीं मिल रही है अभी, मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है? है? अभी तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। यहाँ इतने बड़े बड़े मिनी मधुबन मिल रहे हैं, दर्जनों की तादाद में बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, निमंत्रण मिल रहे हैं, तो ये तीन पर पृथ्वी नहीं है, है? पांडवों के लिए गायन है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, वो विश्व के मालिक बन गए। तो पांडवों में भी कोई पहले मुख्य पांडव होगा कि सब पांडव एक जैसे होंगे? जो अव्वल नंबर पांडव है उसके ऊपर पहले ये बात लागू होती है कि तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले और अभी भी नहीं मिले। क्या कोई ऐसा मुनि मधुवन है जहां जम जाएं साल दो साल दस साल के लिए? बीके वालों का हमला होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा, भस्मासुर पीछे पड़ा हुआ है, कंसी जरासंधी पीछे पड़े हुए हैं, रावण पीछे पड़ा हुआ है, तो तीन पैर पृथ्वी अभी भी नहीं मिली। अंत में तो मिलेगी ना बाबा, विश्व की बात से जब मिलेंगे, अंत में मिलेगी तब बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा नंबर शुरू हो जाएगा। बाबा जिनको बच्चे नहीं रहे उनको बांझ बोलते हैं और समाज में अच्छा नहीं देखते, तो इसका कोई ज्ञान से टैली है क्या? है, देखो इस ज्ञान में टैली नहीं होता है। कोई बुढ़िया ऐसी होती हैं, कोई को ज्ञान सुनाई नहीं पाती है, जब ज्ञान सुनाई नहीं पाएंगी उनको कुछ याद ही नहीं रहता है तो कोई की सेवा करके उनको निकाल पाएंगे? तो उनकी मान्यता है ज्ञान में, ज्ञान में जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो उनको मान्यता देती हैं या समझते हैं तो ऐसे ही नतहरा गहरा नथु गहरा है? मान्यता मिलती है उनको? कहां मिलती है मान्यता?